अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग अभी तक टाइटल से गैस नहीं कर पाए हैं वो ट्राई करें, ये देख के गैस कर पा रहे हो कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। सो आज हम बना रहे हैं चिकन रॉक एंड रोल। तो सबसे पहले हमें मरे हुए को मारना है, मर्डर वेपन हमारे पास तैयार है। सो बेसिकली आपको चिकन में मैरिनेशन स्किन के अंदर तक अच्छी तरह से चली जाए, उसका फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाए, इसके लिए हमें चिकन को थोड़ा सा स्टैब करना पड़ेगा। जब हम ये सुनिश्चित कर लें कि ये चिकन अच्छी तरह मर चुका कहीं से इसमें सांस अब नहीं बची है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो अच्छे तरह इंसेशंस करने के बाद अब टाइम है इसमें मसाले डालने का। नमक, लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, ब्लैक पेपर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ये हमारा घर का बना सीक्रेट मसाला। जस्ट किडिंग, दिस इज चिकन मसाला। सम जिंजर एंड गार्लिक। मम्मी, हाँ जी, सरसों का तेल देना। ये लो, पतंजलि कौन सा है ये? बनूंगा। वाह बाबा जी, माफ करना, आपने क्या सोच के तेल बनाया होगा, बाबा जी के तेल में नॉन वेज बन रहा है। सो अब इसमें ऑयल डाल दिया है, नाउ टाइम टू मिक्स द ऑयल। ओके, सो नाउ वी हैव टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। मिक्स करें कैसे? मम्मी ग्लव्स देना ज़रा। कौन से? अच्छा, अरे वो कोरोना वाले जो लिए थे, कोरोना से बचने वाले। ओके सो कोरोना वाले या कोरोना से बचने वाले ग्लव्स हमारे आ गए हैं। सो सर्जन वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है सर्जन ही बन गए हैं। अच्छी तरह इसको मसाज करेंगे। मम्मी ये तो चंपी हो गई तेल की, तेल मालिश, इसका नाम चिकन चंपी रख दें, चंपी चिकन। तो अच्छी तरह चिकन की चंपी करेंगे, सरसों का तेल है तो चंपी तो बनती है। दिस इज़ अ सीक्रेट टिप गाइस, मस्टर्ड ऑयल एड्स फ्लेवर टू द चिकन। चिकन का अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं, जितने आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स यूज़ करेंगे, तो आपने मसालों में भी देखा होगा हमने फ्लेवरफुल मसाले यूज़ करे हैं। अरे मम्मी इसमें पेपरिका नहीं डाला, थोड़ा सा इसमें हाथ में डालना बस। थोड़ा सा पेपरिका, पेपरिका रह गया था वो मैं इसमें मिक्स कर दिया है। ओके तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर। अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रखेंगे। वी विल सेट इट असाइड फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद हम इसमें करेंगे काला जादू। ओके तो अब मैंने वॉक चेंज कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर सम ब्लैक मैजिक। हम इसमें रखेंगे कोयला, इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी नाउ, और इसको ढक देंगे। सो लेट द ब्लैक मैजिक बिगिन। नाउ दिस विल ऐड अ लॉट ऑफ स्मोकी फ्लेवर टू द चिकन। चिकन में हमने कट्स पहले ही लगा लिए थे, तो
तो अच्छी तरह मैरिनेशन के साथ स्मोकीनेस अंदर चली जाएगी। बहुत सारे लोग ये स्मोक चिकन प्रिपेयर होने के बाद देते हैं। आई प्रेफर टू डू इट एट द बिगिनिंग सो दैट वो बहुत ज़्यादा स्मोकी स्मोकी फ्लेवर नहीं आता, बट यू डू गेट दैट फ्लेवर। मम्मी एक कढ़ाई देना। वाह, पिछली बार तवा गंदा लिया था, इस बार कढ़ाई ये वाली। लोहे की है। अरे घर में बर्तन नहीं हमारे, कोई अच्छे नए मंगाओ यार, रहने दो, इससे अच्छा है इसी से काम चलाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आपको पता ही है हम बड़ी सिंपल रेसिपीज बनाते हैं, मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने जिस कढ़ाई में चिकन को रखा है उसी में हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले गैस ऑन कर लेते हैं। ओके, इससे सिंपल रेसिपी शायद ही आपको कहीं मिले। गैस हमने ऑन कर लिया है, हल्का सा सिम कर देंगे। ऑयल हम इसमें डाल ही चुके हैं, हम डालेंगे बस 1 चम्मच घी थोड़ा फ्लेवर के लिए। एंड वी विल पुट सम अनियंस, लिटिल बिट ऑफ कैप्सिकम एंड सम चॉप्ड टोमेटोज। नाउ वी विल जस्ट मिक्स अप द इंग्रेडिएंट्स। इसमें सारे मसाले पहले ही डले हुए हैं, हमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रेसिपी, एवरीथिंग विल कुक ऑल टुगेदर, सब कुछ एक साथ पक जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढकने के बाद गैस हम मीडियम पे कर देंगे एंड वी विल लेट इट कुक फॉर गुड 5 मिनट्स। उसके बाद चेक करेंगे एंड वी विल ऐड वाटर इफ नेसेसरी। बीच बीच में एक बार आप चेक कर लीजिए, कहीं नीचे से थोड़ा सा लग तो नहीं रहा है। सो इट्स अ गुड आइडिया, आप हर 2-3 मिनट में इसको हिलाते रहें। जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम टबेस्को सॉस इन इट एज पर योर टेस्ट। देखिए हम आपको दिखाते हैं अब चिकन कैसा पक रहा है। चिकन में अपना भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। ओके, सो जब तक चिकन कुक हो रहा है वी विल लेट इट कुक। इन द मीन टाइम चिकन इज कुकिंग। देखिए हम क्या कर रहे हैं। टैन यस, ये तैयार हो रहा है हमारा परांठा, जिसे हम चिकन के साथ रोल बना के खाएंगे। ओके गाइस, क्विक अपडेट, मैंने इसमें अभी मेरे पास थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस थी वो ऐड करी है। आई एम सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। मैंने फ्लेवर में चिली गार्लिक डाला है, आप कोई और भी सॉस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। राइट, एंड वी विल क्लोज द लिड अगेन एंड लेट इट कुक। इन द मीन टाइम ये देखिए हमने अपना पराठा बेल लिया है। एग्जैक्ट गोल तो नहीं हुआ है बट जैसा भी मैं कर पाया हूँ। देखते हैं तवे पे डाल के कैसा लगता है ये। ओके, सो आफ्टर 15-20 मिनट्स ऑफ कुकिंग इसको अब हम चेक कर लेंगे चिकन पक गया है या नहीं। वेरी नाइसली डन। बस अब हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसका जो पानी है उसको सुखाना है। जब ये सूख जाए थोड़ी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी फिर हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे रोल्स में डालना है, ग्रेवी नहीं खानी है। सो क्विक टिप गैस, मैंने चिकन थाई पीसेस वाला लिया है, ये सबसे जूसी चिकन रहता है
कोई और आप पीस लेंगे और आप ढक के नहीं पकाएंगे तो ये एकदम रबरी टाइप हो जाएगा, बहुत हार्ड लगेगा आपको खाने में। सो टू रिटेन द मॉइस्चर हमने इसको ढककर पकाया है और चिकन के थाई पीसेस लिए हैं जो सबसे ज़्यादा टेंडर और जूसी पकते हैं इन माई एक्सपीरियंस। इसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ब्रेस्ट इज द लीनेस्ट बट थाइस का फैट कंटेंट इज आई गेस आप रिसर्च गूगल पे भी कर सकते हैं, इज जस्ट 2 grams मोर देन द ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट, सो नॉट मच। अब हम इसको सिम पे कर देंगे, पानी सूखता रहेगा, गैस चेंज कर लेते हैं। अब बारी है पराठे की, गैस को कर देते हैं बंद, चिकन हो गया है हमारा रेडी, तवा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, एकदम गर्म तवे के ऊपर हम डालेंगे अपना पराठा। देखिए भाई सिर्फ खाना ही नहीं पकाते हम, किचन की साफ सफाई भी रखते हैं। पराठा हमारा एक तरफ से हीट हो जाए तो हमें इसे पलटना है, वेरी नाइस, टाइम टू अप्लाई सम घी। मैं घी लगा रहा हूं, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह अप्लाई करके जस्ट फ्लिप इट ओवर, दोनों तरफ हमें घी अच्छी तरह लगाना है। आप चाहें तो पराठे वाली गली की तरह इसको घी में फ्राई भी कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस बट आई प्रेफर अ हेल्दी ऑप्शन। जितना रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतना लगाता हूँ। लुक एट द कलर, इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी ऊपर से भी कलर के लिए। टाइम टू फ्लिप अगेन, लुक एट दिस नाइस क्रस्ट। बीच बीच में गैस को तेज और सिम करते रहें अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इनफ ऑफ घी, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर घी नाउ, इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं, वी वॉन्ट इट नाइस एंड क्रिस्पी फॉर द रोल, दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्प हो जाए तब तक इसको हम तवे पर ही रखेंगे। मम्मी क्या, एक मिनट हेल्प, ये चिकन मैंने इसमें रखा हुआ है बोल में, बोनलेस कर दिया, ये जरा इसमें लगाना, पराठे के ऊपर डालना थोड़ा, और डालो थोड़ा सा और, हरी चटनी है लाना। अब आएगा ना मज़ा, हरी चटनी थोड़ी सी और डाल दो, हरी चटनी ख़त्म हो गई और बनानी पड़ेगी बच्चे, बस अब इसको रोल कर दो। ये नीचे मैंने पेपर रखा हुआ है, पेपर में रैप कर दो आधा। वेरी नाइस, मार्केट वाले भी क्या बनाएंगे जो हमने बनाया, नीचे से फोन कर। बस थैंक यू माता, रॉक एंड रोल। ओके कैसा, बढ़िया, जय माता दी, लेट्स रॉक।